फिर दूसरे हमारे भैया उनका नाम विनय पांडे और मनोज पांडे, उन्होंने आया तो उसने पूछा घर में लड़ाई हुई थी, हमने कहा नहीं, फिर तुझे हम तुरंत से खो गया कि मेरा ही भाई है, मैं पकड़ के चिल्लाने लगी। पापा से बोले आपके बेटे का चाचा दत्तन कहाँ चले गए, बोले दत्तन मम्मन दोनों लोग सोते भैया, कहती चाचा वो चले थे नहीं, नो की लाश पड़ी है पर वो बताए नहीं, फिर दूसरे हमारे भैया उनका नाम विनय पांडे उपर मनोज पांडे, उन्होंने आया तो उसने पूछा घर में लड़ाई हुई थी, हमने कहा नहीं, फिर तुझे हम तुरंत से खो गया कि मेरा ही भाई है, मैं पकड़ के चिल्लाने लगी और मुझे नहीं पता था। अच्छा वहाँ वहाँ आप लोग गई तो क्या देखा, क्या लगा आपको? वहाँ पर जब गई मैं देखी तो वो लत पर एक भागने की कोशिश किए थे, एक हाथ में चप्पल एक पैर में, और उनको गोली हम लोग को सुनाई दी थी जब फायर हुआ था तब, उसके बाद उनको चक्कू से वार किया गया है और उनको लाश जो थी कुछ लाश मिली है, वो नेता जी के घर रहते थे इसलिए उनको लाश छुपाने के लिए बोला गया था, इसलिए उनका मर्डर किया गया है और कोई कारण नहीं है, वो घर में सबसे दुलारे थे, सब प्यार करते थे। आज दिनांक 25 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत मेडिकल कॉलेज के पीछे परेड सरकार गांव के बाहर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो शव की शिनाख्त विजय पांडे निवासी गाँव परेड सरकार के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया देखे जाने पर शव पे चाकू के चोट के निशान थे। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। परिजनों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक विजय पांडे को रात्रि करीब 2:45 बजे उसके मित्र दीपक पांडे द्वारा, जो भी उसी गांव का निवासी है, बुलाया गया था, जिस पर विजय पांडे अपनी मोटरसाइकिल लेकर जो दीपक पांडे है उसके साथ कहीं गया था और सुबह इस प्रकार से शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इसके कुछ ही देर उपरांत थाना कटरा बाजार क्षेत्र के छटनापुर रेलवे क्रॉसिंग पे जो दूसरा युवक था दीपक पांडे, रेलवे क्रॉसिंग पे उसका भी ट्रेन से टकराकर जो मृत शव था वो पुलिस को प्राप्त होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर आरपीएफ द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भेजा गया। मौके पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो जो विजय पांडे था उसकी मोटरसाइकिल रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी हुई पाई गई और जो स्थानीय दुकानदार थे उनके द्वारा बताया गया कि जो दीपक पांडे है वो अकेला अपनी मोटरसाइकिल पे रेलवे क्रॉसिंग के पास आया, क्रॉसिंग बंद होने की दशा में अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ी कर दी और पैदल कहीं चला गया। जब बाद में लोगों ने क्रॉसिंग खुलने के बाद मोटरसाइकिल लावारिस हालत में खड़ी देखी और आसपास ढूंढा तो कुछ ही दूर रेलवे ट्रैक पे उसका शव उनको मिला, जिसकी सूचना पुलिस को उनके द्वारा दी गई। इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है, गहनता से सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है, शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।